Hello guys, welcome back to this channel. This is Akash Vimal. How are you guys doing? I am back with another video. And this is Oksana. Hi. Our driver for today. And this is my broken assistant. Yeah, show us your breakage. Okay, तो इसके दोनों हाथ टूट गए थे पर दूसरा वाला कहाँ से टूटा था देखा? From this. हाँ वो वहाँ से और अभी recently उसका fracture उतर गया है. प्लास्टर उतर गया. सॉरी. टुडेज रेस्क्यू इज गोना बी वेरी स्पेशल. आई एम सॉरी माय हैंड इज लिटिल शेकी राइट नाउ. अभी बहुत सबसे ज्यादा बड़ा अभी तक का रेस्क्यू होने वाला है मेरा. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वल्चर वाला वीडियो जो कि मैंने पहले बनाया था, प्लीज गो एंड चेक इट आउट. कल पूरी रात हम बाहर थे, पूरी रात रेस्क्यूज. थोड़े ज्यादा ही डिस्टेंस पे थे तो इसलिए इट वाज लाइक दैट. और अभी एक कॉल आया है, एक्चुअली कल रात को आया था पर हम गए रात को. फिर जिसने हमें कॉल किया था दैट गाय डिडंट शो अप, ही आल्सो स्विच्ड ऑफ द फोन. फिर वो सुबह उसने दोबारा हमें कॉन्टेक्ट किया. वैसे हम पूरी रात लगे रहे थे कोशिश करने, तो एंड वी टोल्ड हिम कि यू नो जस्ट गिव अस अ कॉल. तो उसने जब हमें कॉल किया तो फाइनली इट्स एन इजिप्शियन वल्चर. और ये वही है जो कि किसी ने दावा किया था दिल्ली में कि दिल्ली से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब दिल्ली से तो जा ही चुके हैं. वी प्रूव देम रॉन्ग. और अभी इट्स गोना बी वन रेस्क्यू. आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं काफी सारे वीडियोस में बताता हूँ, मेरे को बर्ड्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है. आई एम नॉट इनटू बर्ड्स पर मैं बहुत सारे अभी बुक्स लेकर आया हूँ बर्ड्स के बारे में. आई लव रैप्टर्स. रैप्टर्स आई जस्ट लव देम लाइक एनीथिंग. और वल्चर्स दे आर स्कैवेंजर्स, वो मरे हुए जीवों को खाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. इट्स गोना बी द फर्स्ट टाइम आई एम गोना हैंडल अ वल्चर. और वो वहाँ पे पिछले 3 दिन से है. आई जस्ट होप कि वो सही हो जाएगा. और जाकर आई पता है जब कोई ऐसे आप रेस्क्यू में जाते हो तो आप कुछ प्लान नहीं करते पर आप बस चीज़ें लेकर जाते हो. और ऑब्वियसली मेरे पास कोई नेट वगैरह तो है नहीं टू कैच द बर्ड एंड ऑल, बस एक चादर उठाकर लेकर आया हूँ. और उस वाला जो ये वाला जो क्रेट है इसमें अभी एक थोड़ी देर पहले हमने एक इंडियन ब्लैक काइट भी रेस्क्यू किया था. वो जुवेनाइल है, कैन नॉट फ्लाई, तो उसको भी हम रिहैबिलिटेशन छोड़ने जाएंगे एंड आई विल टेक यू गाइस अलोंग. तो यस, ज्यादा बोर नहीं करते हुए लेट्स गो. So Devanshu is handling the camera. Oh. Cameraman Divyansh ke saath. Chale hum aaj rescue pe. Wild Indian. Okay, so mere paas abhi hai cage aur mere paas hai cloth. I don't have anything else aur kuch bhi nahi hai mere paas. Abhi dekhte hain yahan par kuch ho raha hai. Aur abhi humne dekha nahi hai, wo hai right side pe kahin. To abhi usko dhoote hain pehle. तो और ब्लैक काइट भी हम ऐसे लेकर ही जाना पड़ रहा है क्योंकि अगर उसको हम कार में छोड़ते तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती थी. और कल हमने एक मंकी रेस्क्यू किया था.
कल हमने एक रेस्क्यू किया था बंदर, जिसकी वजह से मेरा एंकल रिस्ट ट्विस्ट हो गया पूरा। और आई गेस कहीं कॉर्नर का था, तो हमारे पास बस वो वीडियो आया था। तो वीडियो का है, वो करेक्ट आउट ना, ही गो देयर आई विल गो हियर। चलो, जिसने पहले स्पॉट किया वो जीता। तो जैसा कि मैंने बताया, हम पूरी रात कल सोए नहीं और हाथ में मेरे चोट लग गई। मैंने तो वीडियो भी नहीं देखी। अरे इट्स अराउंड दैट कॉर्नर आई गेस। हां इट्स अराउंड दैट कॉर्नर। इजिप्शियन वल्चर, फाइनली मैं पहली बार जिंदगी में इसको इतने पास से देख रहा हूँ। इट्स नॉट सो बिग, क्योंकि जिसने हमें कॉल किया था उसने बोला था ये तो बहुत ही बड़ा स्पेसिमेन है। ही इज नॉट एबल टू फ्लाई, ये उड़ नहीं पा रहा है और इट्स गोन बी अ चैलेंज। तो मैं अभी केज खोलूंगा यहाँ पर, और प्लीज होल्ड दिस एंड प्लीज देवांश प्लीज होल्ड दिस। आई कैन नॉट बिलीव, आई कैन नॉट बिलीव दिस, finally this is happening. अरे अरे वो ब्लेड वाले तार, shit man. तो this is for the first time in history, not the last time. मैं एक अच्छा ओके देवांश आराम से देवांश tripped over something. तो अभी I am gonna catch one vulture. मुझे लगता है ये पूरा एकदम अच्छे से मतलब he looks healthy. Although मुझे बताया था यहाँ के लोगों ने कि इसको chicken भी दिया है उन्होंने. अभी we'll have a closer look. See this creature. बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, ultimately सुंदर. Okay, let's hold this. You go that way. And just let's just hold the sheet and just throw it on it. और कोई आइडिया भी है? यार उसके रिफ्लेक्सेस काफी अच्छे लग रहे हैं। नो 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 सिंगल 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 ना ना चलो 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 Finally guys, this is called an Egyptian vulture. I cannot believe. He looks healthy. It seems like he's got a heat stroke. Oh. I feel like kissing him. God. Just look at him. थोड़ा सा रोशनी में आते हैं. Oh man. He's puking something. Vultures को जब भी हम पकड़ते हैं ऐसे, वो जितना भी उनका पेट में होता है वो उसको निकाल देते हैं ताकि वो हल्के हो जाए और वो उड़ जाए। और look at the talons, कितने अच्छे से। He's a beautiful specimen. One rarity in Delhi. बहुत रेयर है ये, इज अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। मेरी ये सांस जो फूल रही है, आई एम गेटिंग नर्वस, आई एम नर्वस राइट नाउ, आई एम एक्सट्रीमली नर्वस। दे आर वेरी इम्पोर्टेंट, ये जितने भी हमारे मरे हुए जीव होते हैं उनको खा लेते हैं,
जिसकी वजह से बीमारियां कम होती हैं, साफ सफाई ज्यादा होती है, पर ये बहुत कम हो गए हैं। एक टाइम पर ये बहुत अच्छे से हर जगह दिखते थे, पर अब ये मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है कि मैं एक इजिप्शियन वल्चर को इतने पास से, इतने नज़दीक से देख रहा हूँ। इट इज सो ब्यूटिफुल। हाय या मैं आपको आपके घर छोड़ के आऊँगा। हाँ जी है ना, चलो हम इसको और अब परेशान नहीं करेंगे। वैसे कभी करना नहीं चाहिए इतना ज़्यादा, पर आई जस्ट हैव टू शेयर दिस पार्ट ऑफ मी विद यू गाइस। अभी हम इसको डालेंगे। सो दिस इज द एक्चुअल वे टू होल्ड वन वल्चर, क्योंकि इनकी गर्दन बहुत लंबी होती है और ये काट लेते हैं, और जो कि ये काटने वाला था। बाय द वे, प्लीज आप किसी पक्षी को मत पकड़िएगा अगर आपको नहीं आता पकड़ना। हम पे छोड़ दो। आई कैन नॉट बिलीव। हम जब भी किसी वाइल्ड एनिमल को ऐसे रेस्क्यू करते हैं तो हम उसको अंधेरा देना चाहते हैं, ताकि वो कुछ देख ना पाए, ताकि वो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट ना हो और हम उसे बचा सकें। तो वी आर गोना कवर दिस विद दिस चादर। मैं चादर इसलिए लेके भाग रहा था क्योंकि इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद अ वल्चर। तो अभी हम इसको जल्दी से जल्दी दिखाएंगे। लेकर जाएंगे, अभी हम इसको लेकर जाएंगे हॉस्पिटल सबसे पहले। और हमारे नदीम भाई, लाइक ही इज़ द ओनली वन हु इज़ वर्किंग फॉर रैप्टर्स इन दिल्ली। और वल्चर भी, लास्ट वाला जो वल्चर स्पॉट हुआ था, जितने भी वल्चर्स आते हैं यहाँ पर, वो नदीम भाई ही यू नो ट्रीट करके उनको रिहैबिलिटेट करते हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट ही इज़ डूइंग। तो या लेट्स गो टू हिम। अभी जल्दी से जल्दी हम भागते हैं, देन वी विल हैव अ चर्चा। लेट्स गो। चलो द काइट दैट वी रेस्क्यूड। ये ऐसे भी चिल कर रहे हैं। इसको कुछ हुआ नहीं है, हीट स्ट्रोक या फिर ऐसा ही कुछ है, और ही इज टू स्मॉल टू यू नो वापस उड़ने के लिए। तो अभी इसको थोड़ा सा उड़ने में टाइम है, तो जब तक ये उड़ता नहीं है तब तक ये यहाँ पर नदीम भाई के पास ही रहने वाला है। ब्यूटिफुल बर्ड। जो बोल रहे हैं ना बस।